आज मैं सिविल वाले स्टूडेंट से बात करूंगा। कॉम्बेट प्रोवाइड कर रहे हैं सिविल वालों को, प्लान कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और आपका जो अटेम्प्ट करने वाला पोर्शन होगा या जो स्कोरिंग वाला जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। आज मैं सिविल वाले स्टूडेंट से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट सिविल के लिए गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हम लोग यहाँ पे कॉम्बेट प्रोवाइड कर रहे हैं सिविल वालों को। तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉम्बेट मिल रहा होगा आपके लिए, जो कि मैकेनिकल के साथ कॉमन है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल और फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉम्बेट आपको मिल रहा होगा, जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ कंसेप्ट को भी वहाँ पर सीख रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिविल वाले के लिए प्लान कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसमें आपको दोनों ही मिलेगा, जहाँ पे आपको कॉम्बेट भी मिलेगा और साथ ही साथ डिटेल लेक्चर मिलेगा, गेट एग्जाम के क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिलेंगे। तो कंसेप्ट्स हो गया, लेक्चर हो गया और कॉम्बेट, तीनों ही चीज़ आपको मिलेगा। कंसेप्ट्स के साथ क्वेश्चन भी होगा गेट एग्जाम का और कॉम्बेट भी होगा, तीनों चीज़ आपको वहाँ पे मिल पाएगा। तो हम लोग जो सब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, वो सब्जेक्ट होगा आपके पास CPM पार्ट वाला सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। तो क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक होगा। तो CPM पार्ट में यहाँ पे डिटेल में कवर करूँगा मैं यहाँ पे, चाहे वो क्रिटिकल पाथ मेथड हो, चाहे वो पार्ट हो, चाहे फिर वो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क हो, तीनों चीज़ होगा। अगर मैं बात करता हूँ इस सब्जेक्ट की CPM पार्ट वाले की, तो बेसिकली CPM पार्ट जो होगा एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है मैकेनिकल वालों के लिए, लेकिन सिविल वालों की बात करूँ तो ये एज ए सब्जेक्ट होगा, जो कि जनरली 2 to 3 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है सिविल वालों के लिए, जो 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। तो 2016 के बाद क्वेश्चंस भी आ गया है सिविल इंजीनियरिंग में, ऑलमोस्ट एवरी वी हैव वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उसका कंसेप्ट अगर आपके पास अगर बेस्ट फॉर्म में हो तो आप ऑलरेडी वो 2 या 3 मार्क्स जो है इजी वे में कवर कर पाओगे। न्यूमेरिकल आता है जनरली, तो न्यूमेरिकल उसको आप सॉल्व कर पाओगे विद इन लेस टाइम। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे कॉम्बेट के थ्रू लें या फिर लेक्चर्स के थ्रू लें, तो वो कॉमन टू बोथ होगा मैकेनिकल एंड सिविल। तो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ सिविल वालों के लिए है या फिर मैकेनिकल वालों के लिए है। बेसिकली आपका जो बन रहा है वो आपका जो टॉपिक बनेगा वो दोनों के लिए सेम बनेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं प्रैक्टिस जो करूँगा वो मैकेनिकल वालों के साइड से ज़्यादा क्वेश्चंस लूँगा, बिकॉज मैकेनिकल वालों का लास्ट 30 ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है CPM पार्ट का, और सिविल में अभी आते हुए 2 या 3 साल हुआ है यहाँ पे। तो ज़्यादा क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस ले लूँगा वो मैकेनिकल वालों को लूँगा। और वैसे भी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो मैकेनिकल में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सिविल। तो अगर मान लो हम लोग मैकेनिकल के क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो सिविल वालों का प्रैक्टिस का जो लेवल होगा वो ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू गेट एग्जामिनेशन। तो उनको एग्जाम में ज़्यादा ईजी लगेगा, ऐसा लगेगा जो क्वेश्चन आया है वो ज़्यादा ईजी एज़ कम्पेयर टू द प्रिपरेशन लेवल। आप जिस लेवल का प्रिपेयर कर रहे हो उससे कम लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सिविल के लिए। तो दोनों का तैयारी साथ होगा, सिविल और मैकेनिकल का CPM पार्ट के लिए, बट आप अपना गेट एग्जाम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, CPM पार्ट वाले सब्जेक्ट से आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग होगा, बेस्ट होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो है, जैसे अभी आप बाकी के सब्जेक्ट के तो कॉम्बेट आपके चल रहे हैं, लेक्चर भी चल रहे हैं, आप उनको एंजॉय कर सकते हो, उनसे उनके थ्रू आप सीख सकते हैं कंसेप्ट्स को, प्रॉब्लम को आप सीख सकते हो। CPM पार्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये ऑलमोस्ट फ्रॉम 5th December से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज आपका गेट एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट गेट एग्ज़ाम से पहले बेस्ट वे में कंप्लीट कर दें यहाँ पे, सो दैट आपको जो हेल्प मिलेगा वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए गेट एग्ज़ाम में, और आपका जो अटेम्प्ट करने वाला पोर्शन होगा या जो स्कोरिंग वाला जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा इंप्रूव हो पाएगा और थोड़ा सा इंक्रीज़ भी यहाँ पे हो पाएगा। ओके, सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 5th December से स्टार्ट कर देंगे। टिल देन यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। थैंक यू।